अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आ गया हूँ कलियर शरीफ उत्तराखंड। ये है, यहाँ पे पहली सलामी दी जाती है हजरत, यहाँ पे दरगाह है हजरत इमाम अबू शाले अलैहिस्सलाम का। आप सभी दोस्तों को हजरत का ज़ियारत करवाएंगे चल के। अभी ये है आपका मेन गेट, ये मेन गेट से होते हुए हम लोग जाएंगे आगे, और आगे चल कर के आपको ज़ियारत कराएंगे हजरत का। दरगाह शरीफ पे पहुँचते हुए आपको रास्ते का भी मंजर सब दिखाते हुए चलेंगे दोस्तों। जो भी है पूरा आपको ये बारी बारी से, जब आपके मज़ार पे आगे जाएंगे तो रास्ते में कुआँ नज़र आएगा। इस कुएँ पे आप यहाँ पे वजू करते थे और अपना गुस्ल उसल किया करते होंगे हजरत। ये पुराना मज़ार है, जितने भी लोग आते हैं कुएँ के पानी को तबर्रुक समझ कर पिया करते हैं, अभी आके पीते हैं। और इसी के बगल में यहाँ पे तमाम लोगों का कब्रिस्तान है, ये भी दिखाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ कर के जा रहा हूँ, चलता हूँ। ये आगे आपको दिखा मंजर जो नज़र आ रहा है, ये जो आगे का मंजर नज़र आ रहा है ये कब्रिस्तान है दोस्तों। ये पीछे कब्रिस्तान में सभी लोगों का कब्र है और बुजुर्गों का भी कब्र है इनके दोस्तों का है। ये सब आप देखते हुए नजर देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे मज़ार का ज़ियारत कराएंगे। ये रास्ते हैं, इन रास्ते से होते हैं, इन पर छोटे छोटे दुकान हैं लेडीज़ के सामान, बाकी आपको सारे यहाँ पे भी मज़ार हैं, छोटे छोटे मज़ार हैं सब लोगों का, वलियों का मज़ार है, आपको दीदार कराते हैं, वली लोगों के मज़ार का दीदार कराएंगे दोस्तों। बने रहिए वीडियो पे, आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये सब दुकानें हैं लगे हुए हैं, ये सब दुकान के बीचों बीच रास्ते हैं, पूरे रास्ते से चलते हुए बने रहिए दोस्तों। चलते हैं आपको आगे। हाँ, मज़ार पे चांदी का ताजिया बनाया गया है, ताजिया का भी दीदार कराएंगे आपको। मज़ार के अंदर तक का अंदरूनी भी ज़ियारत कराएंगे बुजुर्ग का दोस्तों। चलो ये देखो, ये मज़ार है भाई लोग, ये मज़ार है। यहाँ पे लोग अपना फातिहा देते हुए आगे ज़ियारत करते हुए आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। चलो अब इसी रास्ते से आगे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे आगे आपको वजू खाना मिलेगा। यहाँ पे वजू करेंगे सब लोग, ये रहा वजू खाना, यहाँ पे वजू करेंगे और नमाज के टाइम है, बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ें। फिर आगे आप जब से बढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा रास्ता आपका मेन गेट। ये नौबत है, नौबत यहाँ पे ये बजाता है बच्चा, ये बजा के आपको सुनाएगा। और ये यहाँ पे ये मेन गेट है, मेन गेट से होते हुए आपको ये नौबत है, इसे बजाते हैं और अब आपको इसका ये देखते हुए आपको चलो आके बजाता हूँ। रखा हुआ है मेन गेट पे ही रखा हुआ है, ये बच्चा बजाता है अपना, लोग ज़ियारत करते हैं। इसका ज़ियारत करते हुए आपको दिखाएंगे आगे, अभी बने रहिए वीडियो पर, आगे चल के दिखाता हूँ आपको सब, एक एक करके आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। ये मेन गेट का बाहरी हिस्सा है, आपको देखो, ये देखते रहो, ये हुजूर बैठे हुए हैं। ये फातिहा में ले जाया जाता है, लच्छा है, ये हाथ में लोग बांधा करते हैं, इसे भी ले जाकर के मन्नत अपना बांधने के लिए लोग ले जाते हैं। मन्नत दिखाएंगे आगे चल के, लोग अपना अपनी अपनी मन्नतों को लिख करके, फरियाद को लिख करके लेके आते हैं और मज़ार पे अपना अर्जियाँ लगाते हैं। ये है मज़ार के मेन गेट के ऊपर चढ़ करके इन सीढ़ियों से जाते हुए आपको आगे जाओगे
जब ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ से चलते हुए आप चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये है मज़ार के बगल में भी एक मज़ार है, वहाँ पे भी दिखाएंगे चल के अभी। और ये है मज़ार का गेट है, आपको बगल से रास्ता है जल के, वहाँ से मेन रास्ते से दिखाएंगे। ये है देखो लोग अपने अपनी मन्नतों को ला के बांधते हैं। बने रहिए अभी वीडियो पे। यहाँ पे भी देखिए दरगाह हजरत इमाम अबू शाले मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है ये। इसी दरगाह पे लाया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपका अंदर चल के आपको ज़ियारत कराएंगे हुजूर का। देखते रहिए, ये है पूरा मंजर, कितना खूबसूरत मंजर है दोस्तों। ये देखो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ये नागफनी कांटे वाली आकार में बना हुआ कलश। आपका कलश कितना प्यारा गोल्डन कलर में कलश है। दोस्तों आगे देखो, ये आप चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से घूम घूम करके आपको दिखाएंगे ये मज़ार का ज़ियारत कराते हुए चारों तरफ से ज़ियारत। ये है आपको, चलो मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, चारों तरफ घूम के दिखाएंगे। ये देखो मज़ार का ज़ियारत गुम्बद ही सा गुम्बद, कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है ये हुजूर का। ये पेड़ कितना खूबसूरत, कितना हरा भरा देखो माशाल्लाह, कितना खूबसूरत। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ पे आपको ज़ियारत करा रहे हैं। देखते रहिए, ये देखो पेड़ में ये जालियों पे लोग अपना मन्नतें अपनी मुरादे ला के बांधते हैं, जिसकी मन्नतें पूरा हो जाता है वो आते हैं, फिर इन गाठियों को खोल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मज़ार के अंदर चल के आपके हुजूर का ज़ियारत कराएंगे। अंदर चलते हैं, देखो ये देखो यहीं से दिखा सकते हैं, हुजूर का ज़ियारत करा सकते हैं, क्योंकि अंदर जाना मोबाइल नॉट अलाउ है, यहाँ पे मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर हम, बस यहाँ से आप ज़ियारत कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको, फिर ये रहा, अंदर जाना मना था, अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए हम आपको अंदर नहीं ले जा पाए, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। फिर भी आप ज़ियारत आपको थोड़ा बहुत बाहर से करवा दिया, और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सब मंजर दिखा रहा हूँ। अब आपको दिखाएंगे आगे चल के बगल में हुजूर का ज़ियारत कराएंगे। आपको यहाँ पे चांदी का ताजिया भी बनाया हुआ है, चांदी के प्योर पूरा चांदी का है, वो भी दिखाएंगे आपको, भी बने रहिए। चल के हम आपको सारा सब कुछ दिखाएंगे। मज़ार की ज़ियारत करते हुए आप बने रहो दोस्तों। मंजर हरा भरा मंजर, कितना प्यारा खूबसूरत, ज़ियारत करते रहिए दोस्तों। ये है आपका मज़ार शरीफ माशाल्लाह। यहाँ पे लोग अपनी ये अगरबत्ती के को ले जाते हैं, जली हुई राख को ले जाते हैं अपनी मुराद के लिए, अपने चेहरे पे लगाते हैं, दुआ करते हैं और ज़ियारत करते हैं। ये आपको मज़ार शरीफ बारी से बार बार दिखा रहा हूँ, मज़ार शरीफ का ज़ियारत करा रहा हूँ दोस्तों। अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल पर, नहीं तो दिखाता अंदर भी ले जा करके दोस्तों। मज़ार शरीफ है, ये अब अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे चांदी का ताजिया बना हुआ है, वो दिखाएंगे आपको। और एक मज़ार बुजुर्ग का मज़ार है, वैसे नाम तो नहीं पता, पर मज़ार शरीफ है, वो भी ज़ियारत कराएंगे। वहाँ पे अंदर थोड़ा सा मंजर मिल गया था, भूल दिए मिल गया था, इजाज़त थोड़ा सा दिखा लिया था, ऐसे इजाज़त नहीं होता मज़ार शरीफ के अंदर जाना। और दोस्तों आपको दिखाते हुए यहाँ पे तमाम मुरीदानों के भी, हुजूर के चाहने वालों का मज़ार शरीफ है, उनके चाहने वाले। ये देखो दोस्तों, ये मज़ार शरीफ है छोटा सा, ये मज़ार शरीफ में जो मुझे पता नहीं था, अब नाम बताता, ये भी मज़ार शरीफ है, इसका भी ज़ियारत करें आप। सलाम करते रहिए, सबको सलाम पेश करते रहिए। आपको देखते हैं यहाँ पे, अगर
बत्ती जलाया जाता है। और यहाँ पे भी सब सलाम करिए, सब लोग यहाँ पे भी ज़ियारत करिए। अब यहाँ पे भी आप सलाम पेश करते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, ये मज़ार शरीफ के अंदर चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये अंदर कितना खूबसूरत, कितना प्यारा मंजर, कितना हसीन ये आलम है दोस्तों यहाँ का ये मंज़र है। और अब आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ। ये देखो ये दोस्तों, ये है चांदी का ताजिया शरीफ, ये है चांदी का ताजिया शरीफ, इसका आप ज़ियारत करें। माशाल्लाह ये है पहली सलामी, ये था पहली सलामी दोस्तों। इसके बाद आपको साबिर पाक के मज़ार की ज़ियारत कराएँगे दोस्तों। यहाँ पे आपकी पहली सलामी ख़त्म होती है और आपको साबिर पाक के मज़ार की ज़ियारत कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरा पार्ट देखें, उसमें साबिर पाक के मज़ार की ज़ियारत कराएँगे। और यहाँ पे पहली सलामी दी जाती है हुजूर के सलामी के बाद, आपको साबिर पाक के मज़ार शरीफ का ज़ियारत कराएँगे। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना, बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। आपको लेके आएंगे दूसरा पार्ट 2 में, दिखाएंगे साबिर पाक के मज़ार का ज़ियारत।